सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सच्चाई का रास्ता जितना कठिन है ये रास्ता उतना ही सरल भी होता है। सच्चाई के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति को कभी किसी बात का भय नहीं रहता। सच्चाई को स्वीकारना और सच्चाई के समर्थन में खड़ा रहना ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। सच्चाई एक ऐसा दीपक है जिसके प्रकाश में ही संसार प्रकाशित रहता है। सच्चाई को जिन जीवन में सर्वोपरि स्थान देने वाले ही असल में सम्मान के अधिकारी होते हैं। आज का पंचांग 14 मई 2024 दिन मंगलवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि सुबह 4:19 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र दोपहर 1:05 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:39 से 5:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर शाम 5:55 तक रहेंगे। इसके उपरांत वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। आप सभी को गंगा सप्तमी और वृषभ संक्रांति की शुभकामनाएं। तुला राशि 14 मई 2024 दिन मंगलवार, आप जो भी करेंगे पूरे मन से करेंगे और इसीलिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप पिछले कुछ समय से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को टाल रहे हैं लेकिन आज इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर रखकर सुलझाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज या पूरा दिन थोड़े से भावुक रहेंगे। नेटवर्किंग, सामाजिक बैठकों या क्लब में शामिल होने के लिए यह एक आदर्श समय है। आपका करिश्मा आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। एक दुर्घटना या चोरी आपके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। किसी भी घरेलू परेशानी को हल करने के लिए बातचीत करें। आपका मूड आज खुशनुमा रहेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे और मदद करेंगे। नम्रता के साथ थोड़ा धीरज आपके काम को और भी आसान बना सकता है। खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना आज का मंत्र है। चांद पर लक्ष्य साधो, अगर चूक भी गए तो आपका निशाना तारे पर तो लग ही सकता है। मानसिक दबाव के बावजूद आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। बच्चे कोई दिल खुश करने वाली खबर ला सकते हैं। आपको अपनी तरफ से सबसे बेहतर तरीके से बर्ताव करने की जरूरत है क्योंकि आज आपका प्रिय जल्दी ही नाराज हो सकता है। आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे और सफलता आपकी पहुंच में होगी। आज आप जीवन साथी के साथ वक्त बिताने और ले जाने का प्लान करेंगे लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से यह नहीं हो पाएगा। आज आपका जीवन साथी आपकी सेहत के प्रति असंवेदनशील भी हो सकती हैं। आज घर में रिश्तेदारों की भी आवाजाही हो सकती है। सब लोगों का आपस में मिलना जुलना उत्साह भरा माहौल बनाएगा। किसी धार्मिक आयोजन का भी प्रोग्राम बन सकता है तथा रुके हुए पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। परिवार के लोगों की वजह से आज का मनोबल बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। परिवार के कुछ लोगों के साथ वक्त बिताकर मन में निर्माण हुए अकेलेपन की भावना दूर होती हुई नजर आ रही है। पुराने मित्र के साथ हो रही मुलाकात आनंद दे सकती है। जीवन संबंधित अनेक बातों में संतुलन लाना आपके लिए आवश्यक है जो आप अपने प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। वर्तमान से जुड़ी बातों पर ध्यान दे, आपको अपने जीवन के प्रति समाधान महसूस होने लगेगा। काम संबंधित यदि कोई भी गलती होती है तो उसे तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। परिवार के लोग और पार्टनर के साथ के संबंध सुधरते भी नजर आएंगे। शारीरिक कमजोरी बढ़ने की भी संभावना बन रही है। अद्भुत सफलताएं भी आपको मिल सकती है। सुनहरे अवसर भी प्राप्त होंगे। ज्यादा पाने के प्रयास अवसर खो सकती हैं। किसी व्यक्ति को कष्ट हो सकता है। व्यापार में कोई व्यवस्थाएं प्राप्त होगी और नौकरी में स्थानांतरण की संभावना है। सावधानियां, कोई दुखद समाचार मिलने से
भावनात्मक रूप से आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगी। कुछ लोग एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। भाइयों के साथ चल रही विवाद किसी वरिष्ठ सदस्य की सहायता से हल हो सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको यह समझना होगा कि सीमाएं एक मर्यादित और स्वस्थ रिश्ते का सबूत है। अपने पार्टनर के निजी दायरे में कोई दखल अंदाजी करके उसे प्यार और देखभाल का नाम देने की कोशिश बिल्कुल न करें। यह भी जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को खुद पर नियंत्रण करने की छूट भी ना दें, क्योंकि इससे भविष्य में आप दोनों के बीच गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। नेटवर्किंग के इस दौर में हर मौके का फायदा जरूर उठाएं और नए दोस्त बनें। आपका और आपके साथी का रिश्ता उतना ही फ्रेश और जीवंत है जितना पहले था। इसे ऐसे ही बनाए रखें और कुछ नया करते रहें। बड़े भाई बहन और चाचा से मिलकर आप नए अनुभव प्राप्त करेंगे। आज आप अपने आप में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करेंगे। आपके सहकर्मी और दोस्त दोनों आपके हर काम में मदद करेंगे और साथ ही आपकी तारीफ भी करेंगे। आपका पूरा मूड आज एंजॉय करने का है। आज अपने साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। अपने प्यार के प्रति भी आपका रवैया आज नम्र रहेगा। बात करते हैं करियर की। अपने आकर्षण से आप सबका दिल आज जीत सकते हैं। आज अपने शुभ चिंतकों या प्रियजनों को यह बताना बिल्कुल ना भूले कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। व्यापार में लाभ के लिए कोई समूह या सोसाइटी फायदेमंद हो सकती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, इसीलिए शॉर्टकट की होशियारी भारी पड़ सकती है। पेशेवर रूप से आज आप खुद को दुनिया के शीर्ष पर महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपके अहंकार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी सभी योजनाएं पूरी हो रही है, खुशी महसूस कर रहे हैं। एक नया रिश्ता बनने की भी आसार है। खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना ही आज का मंत्र है। आज आप पेशेवर आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आप अपने कार्य संबंधित चिंताओं को सशक्त तरीके से आगे रखेंगे एवं कोई भी मुश्किल आपको बड़ी नहीं लगेगी। कुछ सूक्ष्म संकट कार्यस्थल पर आ सकती हैं, परंतु आप उन संकटों से आसानी से आत्मविश्वास के साथ बाहर आएंगे। आज आपके सहकर्मी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे। व्यवसाय में काम करते समय सावधानी बरतना वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेपर वर्क में लापरवाही से नुकसान हो सकता है, इसीलिए सतर्कता और संवेदनशीलता से काम करना आवश्यक है। पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास और सहयोग ही एक सफल और स्थायी व्यवसाय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नौकरी में व्यवस्थित माहौल बनाना और उसे संभालना भी बहुत जरूरी है। यह कर्मचारियों की प्रेरणा, उत्साह और उत्पादकता को बढ़ावा देता है, जो आपके व्यवसाय की स्थिरता और सफलता के लिए आवश्यक है। सावधानी से काम करना, पारदर्शिता बनाए रखना और कार्यस्थल में व्यवस्थित माहौल बनाए रखना आपकी व्यवसाय के विकास और सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन आपको थोड़ा परेशान करेगा। आप खुद को थोड़ा तनाव में पाएंगे। गर्दन में दर्द भी हो सकता है। आपके लिए सुझाव यह है कि हर 2 घंटे काम करने के बाद गर्दन को आराम दें, उठकर टहल लें, थोड़ा अंगड़ाई लें और शरीर को आराम दें। आराम के लिए मसाज या किसी थेरेपी की भी मदद ले सकते हैं। जैसे ही आप मसाज के लिए बैठे, अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रखना बिल्कुल ना भूलें। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा करें, तेल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।